मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार प्रसार खत्म होने के साथ ही पुलिस प्रशासन मतदान की तैयारी में जुट गया है। 12 मई को मतदान होगा जिसमें हाई प्रोफाइल सीट भोपाल भी शामिल है। सुरक्षा के लिहाज से विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। चुनाव 2019 में छठवें चरण का प्रचार प्रसार थम गया है और 12 मई को भोपाल में चुनाव है और इस वक्त आप देख सकते हैं हम मौजूद है पुलिस कंट्रोल रूम में, जहां पर जो नंबर ऑफ कॉन्स्टेबल्स है वो बढ़ाया जा रहा है। निश्चित ही जो व्यवस्था होगी पुलिस की, प्रशासन की, वो मजबूत होगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो सीमा बल है वो मौजूद है, पुलिस के जो तमाम कॉन्स्टेबल हैं। और निश्चित ही लोकतंत्र के महापर्व में किसी भी तरीके की जो जो घटनाएं दुर्घटनाएं होती है वो नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ अभी थोड़ी देर पहले ही कलेक्टर सुदाम खाड़े ने पीसी में बताया कि किस तरीके से उन्होंने जो पुलिस के कंट्रोल की तैयारी है वो पूरी कर रखी है और नए जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में या फिर पूरे देश की बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, विधानसभा चुनाव में भी कई एक्सपेरिमेंट किए गए थे, चाहे दिव्यांगों की बात की जाए, चाहे पिंक बूथ की बात की जाए, ठीक उसी तरीके से लोकसभा चुनाव में भी इस वक्त पूरी तैयारी कर ली गई है। जिस तरीके से मेरे पीछे मैंने आपको दिखाया कि जो तमाम पुलिस वाले हैं वो मौजूद है कंट्रोल रूम में, इनकी ड्यूटी बताई जा रही है। यहाँ से 12 मई को अभी से शुरू होते हुए 12 मई के शाम तक इनकी ड्यूटी होगी और तमाम क्षेत्रों में ये मौजूद होंगे और निश्चित ही कोई भी अप्रिय घटना जो है वो जो है उस पर कंट्रोल करने की इनकी पूरी कोशिश होगी। कैमरा पर्सन दशरथ के साथ अनामिका अंबर। ब्रेक का आप बने रहिए डीएनएन न्यूज के साथ।